माय नेम इज़ मोहम्मद शाकिब एंड दिस इज़ मास्टर टेक। सो आज हम करने जा रहे हैं हैंड्स ऑन ओप्पो का लेटेस्ट डिवाइस ओप्पो F5, जो कि ऑलमोस्ट बॉर्डरलेस डिज़ाइन के साथ में आता है, जिसकी स्क्रीन है 6 इंचेस FHD प्लस 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का यहाँ पर डिस्प्ले है, जो कि अगर हम फ़ोन के फ्रंट की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 84.2% आपको पूरी स्क्रीन मिलेगी। इसके साथ में प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर दिया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। दो वेरिएंट के साथ में आता है, 4GB रैम 32GB स्टोरेज, 6GB रैम 64GB स्टोरेज, जो कि ऑलमोस्ट प्राइस किया गया है ऑलमोस्ट 20,000 to 25,000 के बीच में। दोनों को यहाँ पर आप दो सिम लगा सकते हैं और एक SD कार्ड एक साथ में इस फ़ोन में। बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर बैटरी आपको मिलती है 3200 mAh की। प्रोसेसर के मामले में ये फ़ोन मार खा गया है। अगर इसमें स्नैपड्रैगन का 600 सीरीज़ का अगर कोई प्रोसेसर रहता तो शायद मार्केट में धमाल मचा सकता था, बट नहीं, यहाँ पर ओप्पो ने डिसाइड किया है कि वो MediaTek का प्रोसेसर देगा। तो क्वाड कोर MediaTek का प्रोसेसर है, MT673T का प्रोसेसर है। यहाँ पर अगर स्नैपड्रैगन होता तो पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता था। NFC इसमें नहीं दिया गया है इस फ़ोन में। मेन मोटिव पे आते हैं, जो कि ओप्पो के सारे फ़ोन जिस पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं वो कि कैमरा। तो कैमरे की बात करते हैं, इसका मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, जो कि 1.8 एपर्चर के साथ में आता है। और इसके फ्रंट कैमरा जो सेल्फ़ी कैमरा है उसकी बात करते हैं हम, वो है 20 मेगापिक्सल का। उसका सबसे ज़्यादा 20 मेगापिक्सल का आपको सेल्फ़ी कैमरा मिलता है, जो कि 2.0 एपर्चर के साथ में आता है। अगर वेट की बात करें तो ये फ़ोन बिल्कुल लाइट वेट है, 152 ग्राम्स का ये फ़ोन है। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो 7.5 mm का ये फ़ोन है। वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है। अगर ये अराउंड 15,000 के करीब या 17,000 के करीब होता तो यहाँ पर टक्कर दे सकता था। अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 600 सीरीज़ का अगर कोई प्रोसेसर होता तो काफ़ी बढ़िया बात होती है ओप्पो से। आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट लाइक, comment, share, and more videos like this. Thanks, peace. Thank you. I'm coming home.